जय श्री हरि मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक माह महात्म्य 26वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा बताए। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में से कौन सा ऐसा साधन है जो विष्णु भगवान को प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है तथा उनके समीप्य को प्राप्त कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे दिश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु का शीर्ष प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र दुखी पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है कि राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधिपूर्वक पूजा की। दिव्य मणि मुक्ताफल तथा स्वर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जूं ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दस और जल रख लिया। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण के भगवान की जो पूजा की थी, कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसीदस लड़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति की कुछ भी नहीं पता, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु की में भक्ति ही कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और ना पहले कभी देव मंदिर ही बनवाया है, इतने पर भी तुमने अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये भी सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति ऐसी कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मृदुल को आश्चर्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों के तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादश अक्षर मंत्र का जाप, नित्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के प्रतिदिन शोष्टोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय विष्णु भगवान का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को ही समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जय श्री गुरु मित्रों।